समर्थकों का सैलाब, पार्टी की लहराती पताका और ढोल नगाड़ों के बीच भारत माता की जय के नारे। कर्नाटक में बीजेपी की जीत की नींव तैयार कर रहे अमित शाह ने शिमोगा जिले के तुमकुर में रोड शो कर पार्टी की ताकत दिखाई। समर्थकों ने भी बता दिया कि उनका जोश हाई है। रोड शो के दौरान शाह ने किसानों की बात की, मुसलमानों को 4% आरक्षण खत्म कर लिंगायत और दलित समाज के बीच बांटने के सरकारी फैसले की याद दिलाई और कांग्रेस को तुष्टीकरण वाली पार्टी बता दिया। बीजेपी कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। आने वाले चुनाव में अगर आप नागेश जी को वोट देकर यहाँ से विधायक बनाते हो तो 2024 में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस को एक बार फिर कर्नाटक की सत्ता दिलाने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी तुमकुर से ही समर्थकों में जोश भर रहे थे। राहुल ने बीजेपी पर सरकार चुराने का इल्जाम लगा दिया। पिछले चुनाव में आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी। बीजेपी ने एमएलए को पैसा देकर लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की। बीजेपी सरकार ने पैसा डाला नहीं, पैसा निकाला। राहुल जब स्टेज से भाषण दे रहे थे उसी दौरान अजान हुई। मंच पर मौजूद डीके शिवकुमार ने इशारा किया और राहुल चुप हो गए। राहुल ने अपने भाषण में शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखा, लेकिन इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। मन्ने नीवु गुलबर्गा बंदागा नीवु ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಆಪ್ ಸಬ್ ಲೋಕ ಡರಿಯೆ ಮತ್ ಬಂಜಾರಾ ಕಾ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಬೇಟಾ ಹೇ ಅಂತ ಐಸಾ ನಾಲಾಯಕ್ ಬೇಟಾ ಬೇಟಾ ತೋ ಕೈಸಾ ಹೋತಾ ಭೀ ಘರ್ ಕೈಸೆ ಚಲೇಗಾ ಹಾ ಇನ್ ಸಬ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಬಿಜೆಪಿ ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪ್ನಾ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಜಾರಿ ಕರ್ ದಿಯಾ। ಬಿಜೆಪಿ ನೇ ಇಸ್ಮೇ ಸರ್ಕಾರ ಬನ್ನೆ ಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಲಾಗೂ ಕರ್ನೆ ಕಾ ವಾದಾ ಕಿಯಾ। इसके अलावा हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की स्थापना, बीपीएल परिवार को फ्री में 3 LPG सिलेंडर, रोज आधा लीटर नंदनी दूध और बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का कर्ज देने का वादा कर दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं।